आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडिया को सेकंड होम ग्राउंड कहने वाले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ तक कह दिया है कि अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। जी हाँ, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के साथ एक टेस्ट मैच की तैयारी में जुड़े थे। टेस्ट मैच मजाक बन के रह गया। कंडीशन और मैनेजमेंट को देखते हुए अफगानी खिलाड़ियों का कहना है कि हम आज के बाद ग्रेटर नोएडा कभी नहीं आएंगे। 9 सितंबर से मैच शुरू होना था, आज 3 दिन हो चुके हैं, ग्रेटर नोएडा में मैच शुरू नहीं हुआ। रीजन है वेट आउटफील्ड। सोच रहे होंगे बारिश हुई होगी, और ये तो आम बात है कि बारिश की वजह से मैच नहीं होते। लेकिन आप ये जानकर हैरान जरूर होंगे, पिछले 3 दिन में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। जब बारिश भी नहीं हुई, एक बूंद भी नहीं गिरी, तो मैदान गीला कैसे हो गया? बारिश कुछ दिन पहले हुई थी, किसी ड्रेन सिस्टम नहीं है, पानी ऐसे सुखाया जा रहा है जैसे छत गीला हो गया हो। कड़ी धूप होने के बावजूद फील्ड नहीं सूखी, तो ग्राउंड स्टाफ ने दिमाग लगाया। ग्राउंड के बाहर जो एरिया है जहाँ मैच के लिए प्रैक्टिस होता है, वहाँ से घास को काट काट कर उस जगह पर रखने की कोशिश की गई जहाँ वेट आउटफील्ड है। ऊपर से मिट्टी डाली गई, फैन लगाया गया, वहाँ भी बात नहीं बनी। आखिरकार मैच को रद्द करना पड़ा। अफगानिस्तान इस टेस्ट मैच को लेकर काफी एक्साइटेड थे। न्यूजीलैंड से उनको हर दिन खेलने के लिए मौका नहीं मिलता। हाल ही में अफगानिस्तान टेस्ट नेशन बने, एक एक सिंगल टेस्ट मैच उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि WTC के अंदर नहीं आता है। साल 2016 में ICC ने इस ग्राउंड को हरी झंडी दिखाने के बाद T20 और ODI मैच हुए है, टेस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट मैचेस होते हैं, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। अफगानी खिलाड़ियों का कहना है कि कुछ भी यहाँ ऑर्डर पर नहीं है, फैसिलिटीज जीरो है और हम बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है। BCCI की तरफ से हमें पहले ही बता देना चाहिए था। जब BCCI से मदद मांगी गई, तो BCCI ने आगे बढ़कर मदद की बात की। हम आपको ऐसे मैदान देंगे जहाँ पर कॉर्पोरेट मैचेस खेले जाते हैं, यहाँ तक कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी भी नहीं होता हो, जहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट मैचेस होता है। कॉर्पोरेट मैचेस थोड़ा गीला में भी चल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल नहीं। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रहा है, वॉशरूम के टैप वाटर से खाना बन रहा है और टॉयलेट के पानी से बर्तन धोया जा रहा है। न्यूजीलैंड टीम की तरफ से कंप्लेन तो होगी। बता दें कि BCCI ने अफगानिस्तान को 3 वेन्यू दिया था, लखनऊ, देहरादून और ग्रेटर नोएडा। अफगानिस्तान को मजबूरन ग्रेटर नोएडा मैदान चूज करना पड़ा। लखनऊ में UP T20 लीग चल रहा है, कानपुर में भी लीग चल रहा है, दोनों ग्राउंड बिजी है, तो बचता है सिर्फ ग्रेटर नोएडा। 3 में से अफगानिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचा, ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन चूज करा और ये खेलने लायक नहीं है।